राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के दूसरे दिन भर्ती परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। एक सर और आ जाने अरे अट्टे तो क्या करनी है यार जोधपुर में 7 जनवरी रेलवे स्टेशन की प्रस्तावित नई इमारत की प्रतिकृति देखने शनिवार को जोधपुर रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों और शहरवासियों का तांता लगा रहा। मुख्य रेलवे स्टेशन के वीआईपी प्रवेश द्वार के हॉल में रेलवे के पूर्ण विकसित होने वाले रेलवे स्टेशन का मॉडल आमजन के अवलोकनार्थ स्थापित किया है। रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्टेशन इमारत की अब तक सिर्फ तस्वीर जारी की थी, लेकिन शनिवार को जैसे ही तस्वीर को प्रतीकात्मक मॉडल के रूप में स्टेशन पर रखा गया तो देखने वाला हर शख्स दंग रह गया और इस सुंदर कलरफुल और आकर्षक रोशनी से सुजज्जित अपने स्टेशन की नई बिल्डिंग को अपने मोबाइल में कैद करने को आतुर नजर आए। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देशों पर जोधपुर रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। स्टेशन डायरेक्टर ललित शर्मा ने बताया कि पूर्ण विकास के पश्चात के जोधपुर रेलवे स्टेशन की हूबहू कृति कांच के फ्रेम में रेलवे स्टेशन के वीआईपी प्रवेश द्वार के हॉल में अस्थायी तौर पर स्थापित की गई है, जिसे कोई भी यात्री व आमजन बिना किसी टिकट अथवा प्लेटफॉर्म टिकट के देख सकता है। फ्रेम में रोशनी की व्यवस्था से प्रकृति का नजारा नयनाभिराम बन गया है। मंडल ने प्रदर्शन श्री दीपिका पांडे जी के निर्देशन अनुसार रेल स्टेशन डेवलपमेंट का मॉडल जोधपुर स्टेशन के आज वीआईपी हॉल में स्थापित किया गया है, जो कि आम जन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। इसके में पूर्ण किस तरह का स्टेशन होगा इसकी रूपरेखा को दर्शाया गया है।